अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अख्तर अली है। सऊदी अरब का एक स्कूल है रियाद स्कूल के नाम से, सऊदी अरब की कैपिटल सिटी रियाद में है। यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स की जरूरत है, पहले भी इसमें जॉब्स आई हुई थी। ये एक अमेरिकन स्कूल है और इसमें अमेरिकन करिकुलम पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे जो जॉब्स हैं वो टीचर्स की भी हैं, लाइब्रेरियन की भी हैं, मैथ टीचर्स की भी हैं, एलिमेंट्री टीचर्स की भी हैं, और भी बहुत सारी जॉब्स हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, सैलरी क्या है, अप्लाई करने का तरीका क्या है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम सऊदी अरब समेत जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, खलीजी ममालिक हैं, वहां पे जॉब्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत सारी जॉब्स की वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, आप जाएं हमारे चैनल को विजिट करें, हो सकता है आपकी ड्रीम जॉब आप हमारे चैनल पे मौजूद हो। अपनी लक को जरूर आजमाएं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल पे जो है वो स्कॉलरशिप की जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, पूरी दुनिया में जो स्कॉलरशिप आते हैं उनके भी वीडियो मौजूद है, और हम जॉब्स के अलावा, हर तरह की जॉब्स के अलावा स्कॉलरशिप को भी एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसी डिग्री है जिसका हमें नहीं पता, तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सी सूटेबल जॉब सऊदी अरब या खलीजी ममालिक में मौजूद है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे, किस तरह उसको ओपन करना है, कौन से स्कूल में जॉब है, वेबसाइट क्या है, अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, और सैलरी कितनी है। आए हम आपको बताते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे लिखेंगे आप रियाद स्कूल, RIYADH रियाद स्कूल हायर 2023, ये थर्ड वेबसाइट पे जाएंगे। इसको आप ओपन करेंगे तो रियाद स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, इस पे आप क्लिक कर देंगे। ये देखें, पहले ये कैरियर आए हुए हैं इस पे, ये देखें एलिमेंट्री होम रूम टीचर्स, होम रूम टीचर्स जो है एलिमेंट्री स्कूल, इसको ओपन करते हैं। ये फ्रेश जॉब्स हैं, इसकी जो ज्वाइनिंग है वो है अगस्त में। ये देखिए, इनको एलिमेंट्री स्कूल चाहिए 23 अगस्त और सितंबर से इसकी ज्वाइनिंग होगी। ये सारा इसका क्राइटेरिया लिखा हुआ उन्होंने जो रियाद का है, और ये वेबसाइट भी इसकी सारी। सैलरी, ये सैलरी पैकेजेस इन्होंने दिए हुए 15,000 रियाल से 18,000 रियाल। ये एक जो है प्रिंस का स्कूल है और ब्रिटिश करिकुलम अमेरिकन करिकुलम का ये स्कूल है। उसके अलावा आपको फुली फर्निश्ड जो है अपार्टमेंट दिया जाएगा, अगर सिंगल हैं तो एक बेडरूम, अगर आप मैरिड हैं तो आपको पूरा एक जो घर है अपार्टमेंट है वो दिया जाएगा। जिम की सहूलत दी जाएगी, मार्केट जाने के लिए आपके ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट होगा, और आने जाने का आपको एयर टिकट दिया जाएगा, मेडिकल इंश्योरेंस होगी, और वीजा रेजिडेंसी पेड, जो भी वीजा और रेजिडेंस होगी वो आपको स्कूल की तरफ से होगी, एडिशनल क्लब की होगी। अच्छा, रियाद स्कूल में ये सारी चीजें हैं, और इसके अलावा ये अप्लाई करने का क्या तरीका है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, ये सारी चीजें उन्होंने ऊपर दी हुई हैं, क्या क्या चाहिए ये देखे, साथ अप्लाई करने का भी तरीका, एड्रेस भी है, सऊदी अरबिया, ये सारी चीजें हैं, अपलोड योर, अगर आप जिस नेशनलिटी हैं, ये देखें सारी डिटेल दी हुई है, कौन से किस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ये सारे दिए हुए हैं, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री जो जो भी है, एक्सपीरियंस भी है, जो भी है, ये सारी चीजें आप मेंशन कर देंगे और उसके बाद इधर अप्लाई कर देंगे। ये है किसके लिए, एलिमेंट्री स्कूल के लिए। एलिमेंट्री जो सऊदी अरब में एलिमेंट्री कहते हैं ये जो मिडिल स्कूल होता है। अच्छा, हेड ऑफ लाइब्रेरियन एंड मीडिया, मीडिया हेड ऑफ लाइब्रेरियन, ये भी रियाद स्कूल के लिए चाहिए, ये भी इंटरनेशनल लेवल पे चाहिए इनको। इसमें दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप भी कभी भी इंटरनेशनली अप्लाई करें तो सबसे पहले आप सीवी, अपनी सीवी को अच्छी तरह मॉडिफाई करें, अपडेट करें, ऐसी सीवी बनाएं कि देखकर इम्प्रेस हो जाए। मोस्टली जो है सीवी सिलेक्शन होती है, जब मेरी जॉब हुई थी तो मेरी भी सीवी सिलेक्शन हुई थी, इंटरव्यू नहीं हुआ था, तो आपकी सीवी आपको प्रेजेंट कर रही होती है, तो इसलिए अपनी सीवी अच्छी बनाएं, स्पोकन अच्छी हो, और जब आप इंटरव्यू दें तो आपका कॉन्फिडेंट अच्छा हो। तीसरी कोई चीज नहीं देखेंगे, आपकी जॉब हो जाएगी, बहुत ईजी सिलेबस है, कोई मुश्किल बात नहीं है, पढ़ाना, क्लास मैनेजमेंट, हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग, अगर पाकिस्तान का कोई मैट्रिक पास है वो भी पढ़ा सकता है, जो अच्छे जो जिसके बेसिक स्किल डेवलप हैं, तो वो इतना आसान सिलेबस होता है। तो इनको हेड ऑफ द लाइब्रेरियन और मीडिया चाहिए, तो इसके लिए आप अप्लाई करें। इसमें उन्होंने क्या मांगा हुआ है,
रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज एंड ऑपरेट मेजर लर्निंग एनवायरमेंट यूज बाई द होल स्कूल कम्युनिटी। ये सारी इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। आप जाएंगे, क्वालिफिकेशन इसके लिए चाहिए बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस एंड रिलेटेड फील्ड, 5 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं इसके लिए, और एक्सपीरियंस एज ए क्लासरूम टीचर का भी मांग रहे हैं। मैनेजमेंट स्किल होने चाहिए, AASL स्टैंडर्ड और 21st सेंचुरी लर्निंग जो भी है ये इसको देख लें। और इसकी भी सेम सैलरी है, अप्लाई करने का सेम तरीका है, आप जाएंगे इस पे अप्लाई कर लेंगे, ये देखें। और उसके बाद है हेड ऑफ लाइब्रेरियन और इंग्लिश टीचर, फीमेल इंग्लिश टीचर चाहिए इनको। उसके बाद है साइंस स्पेशलिस्ट, और साइंस की जो मास्टर ऑफ साइंस है आपके पास, बायोलॉजी की डिग्री है या बॉटनी की है या किसी, ये भी सेम वही है इनको, 23rd अगस्त से सितंबर में ये टीचर चाहिए। रिक्वायरमेंट उन्होंने लिखी हुई है नीचे, डिग्री जो है टीचिंग सब्जेक्ट जनरल साइंस। ये आप जो है जिस तरह ये ग्रेड 5, 6, 7, 8, 9 में साइंस होती है तो वो आपको पढ़ानी पड़ेगी। सैलरी सेम है, सेम पैकेज है, सेम जो फैसिलिटीज हैं वही, फ्लाइट का टिकट, मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा और रहायश का, ये आने जाने का सारी चीजें दी जाएंगी, और ये आप इधर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद है मैथ टीचर की, बहुत सारे लोग जो थे वो मैथ के थे, वो बहुत मैसेज करते थे कि यार मैथ टीचर की अगर सीवी है तो ये मैथ स्पेशलिस्ट के लिए चाहिए अपर प्राइमरी स्कूल के लिए। ये भी आपको खोल के दिखा देते हैं इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है मैथ टीचर्स के लिए, ये देखें। ये भी फ्रेश जॉब है, रिक्वायरमेंट है डिग्री टीचर्स, डिग्री इन द टीच एबल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। इसमें भी आपकी मास्टर डिग्री हो या बैचलर दोनों चल जाएंगी, और इसको आपको अमेरिकन करिकुलम पढ़ाने का तजर्बा हो, कोई मुश्किल नहीं है। मैं पढ़ाता रहा हूं उधर, जो मैथ है प्लस माइनस ये सिर्फ इंग्लिश में है और कोई ज्यादा नहीं है मैथ, जो सेम पाकिस्तानी सिलेबस की तरह जो ग्रेड 5, 6, 7 में मैथ होता है सेम वही है। सिर्फ आपकी दो चीजें, सीवी अच्छी हो और पढ़ाने का जो स्किल है वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा, इधर उन्होंने लिखा है कि प्रेफरेंस जो है यूएस एंड कैनेडियन टीचर, बट ऐसा नहीं होता, कोई भी टीचर इधर नहीं आता सऊदी, क्योंकि उधर बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, तो ये इधर से ही सिलेक्शन होती है। अगर आपकी इंग्लिश स्पोकन अच्छी है, आप अच्छा पढ़ा सकते हैं, तो यू कैन बी सिलेक्टेड इंशाल्लाह। ये सेम चीज है, इधर अप्लाई करने का तरीका भी इधर सेम है। और लास्ट में जो जॉब है वो है एलिमेंट्री होम रूम टीचर्स के लिए, इसकी भी रियाद स्कूल के लिए है। रिक्वायरमेंट इसमें है प्रोफेशनली क्वालिफाइड टीचर विद द स्टेट और प्रोफेशनल टीचिंग लाइसेंस, यानी बीएड आपके पास होना चाहिए। इसमें भी मिनिमम जो है वो 3 साल का तजर्बा होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए अमेरिकन करिकुलम पढ़ाने का। ये सारी हैं इधर, ये सारी डिटेल लिखी हुई है। आप जाएं रियाद स्कूल, लिखे रियाद स्कूल, रियाद स्कूल जॉब्स लिख लें या रियाद स्कूल हायर लिख लें, मैं ये दोबारा आपको लिख के बता देता हूँ। ये देखें, इधर आप गूगल पे अप्लाई करेंगे, ये देखें इधर आप गूगल पे अप्लाई लिखेंगे RIYADH रियाद स्कूल हायर, ये देखें रियाद स्कूल हायर, ये पहली इसकी वेबसाइट, आप इधर अप्लाई करेंगे तो ये इसके पहले नंबर पे आ जाएगा। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम सऊदी अरब समेत गल्फ कंट्री में जॉब्स को एक्सप्लोर करते हैं और हर तरह की जॉब्स को एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हम हर तरह के जो स्कॉलरशिप है फुली फंडेड स्कॉलरशिप उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं सऊदी अरब में, पूरी दुनिया में। तो इंशाल्लाह आइंदा मालूमाती वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।